गुरु भक्त कभी चूक नहीं सकता, साधक चूक जाएगा, पुरुषार्थी चूक जाएगा, लेकिन गुरु निष्ठ कभी चूक नहीं सकता। गुरु के वचन न प्रतीत न जय, गुरु के वचनों पर जिनको प्रतीति नहीं मतलब विश्वास नहीं, सपने में भी वो सिद्ध नहीं हो सकते, अर्थात साधना में कामयाब नहीं हो सकते। इनकी मैं गुरु निष्ठा की परीक्षा करता हूं। भगवती पार्वती जी की पहले परीक्षा हुई है कि देवऋषि नारद जी ने जो साधन बताया शिव प्राप्ति का, क्या गुरु के वचनों पर विश्वास है? तो शंकर जी की तरफ से सप्तऋषियों को भेजा गया और गुरु की निंदा कराई। अरे तुम शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हो और एक बाबा जी की उसकी बात मानकर, जिसका घर स्वयं नहीं बसा देवऋषि नारद जी का, जिसका घर तुम्हारे गुरु जी का नारद जी का घर जिसका स्वयं नहीं बसा वो तेरा घर बसाएंगे शिव के साथ। तुम शिव की गृहिणी बनना चाहती हो, शिव के साथ अपना घर बसाना चाहती हो और किसकी बात मानकर? आज तक नारद जी की बात मानकर किसी का घर बसा है? कितनों को बाबा जी बना दिया, घर छुड़ा के जंगलों में पहुंचा दिया, तेरा घर कैसे बचेगा? छोड़ अपने गुरु की बात। तो वहां पार्वती जी कहती है, तजहुना नारद कर उपदेशु, तजहुना नारद कर उपदेशु। और की कौन कहे, आपकी कौन कहे? आप कहे शत बार महेशु। मेरे इष्ट देव भगवान शिव भी, मतलब मेरा इष्ट देव भी आकर कहे कि गुरु की बात को छोड़ दे, तब भी मैं गुरु की बात को नहीं छोड़ पाऊंगा। तजहु ना नारद कर उपदेशु, और आप कहें शत बार महेशु, एक बार नहीं मेरे इष्ट देव भगवान शिव 100 बार भी आके कहें कि गुरु को त्याग तब मैं मिलूंगा, तब भी मैं गुरु को नहीं त्याग सकती। यह है गुरु निष्ठ। तो फिर इष्ट की परीक्षा करी, अरे तुम शंकर जी को पति बनाना चाहती है, वो कोई सुंदर नहीं, अशुभ भेष है, जटाधारी है, बस मरमाए रुंडों की माला, सांप लपेटे, कपड़े तक नहीं बदले में, नंग धड़ंग, और पहनेंगे तो खाल मरे हुए जानवर की, ऐसे से तू प्यार करेगी? प्यार उमड़ेगा ऐसे को देख करके? अरे विष्णु देखो, शंकर जी कंगाल और लक्ष्मीपति है, वैकुंठाधिपति है, सुंदर है, योग्य वर है, यदि पति बनाना है चुननी है तो नारायण को चुनो। अब इष्ट की परीक्षा हो रही है कि इष्ट देव में कितनी पक्की। तो वहां पार्वती कहती है, बरों संभु न तो रहूं कुमारी, मैं जीवन भर कुमारी रह सकती, यदि शिव मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर कुमारी रहूंगी, लेकिन वरों तो संभु, भगवान शिव ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा भले ही वो सकल अवगुणों की खान है और भगवान नारायण चाहे सकल गुण निधान है, लेकिन तब भी मेरे पति शिव ही रहेंगे। मतलब अपने इष्ट के प्रति अनन्य प्यार हो और गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा श्रद्धा आस्था हो, तब जाकर के मंजिल हाथ लगती है। हम सब जगह कच्चे और प्रश्न करते हैं, भगवान क्यों नहीं मिले, इतने दिन से भजन कर रहे हैं, परीक्षा होती है, कितना अनन्य है गुरु का, साधना का और भक्ति का। तुम माला कर रहे हो भगवान प्राप्ति के लिए और कोई कह दे माला से क्या होता है, ध्यान करो, तुम तो तुरंत माला छोड़ दोगे, ध्यान में लग जाओगे, फिर मेरे जैसा मिले, अरे छोड़ो ध्यान, कलयुग केवल नाम आधारा, छोड़ो ध्यान, नाम जप करो, तो ध्यान छोड़ के नाम जप में लग जाओगे। ना तुम ध्यान में पक्के हो अनन्य हो, ना तुम नाम जप के अनन्य हो। अरे जो साधना गुरु से प्राप्ति लगे रहो, भगवान भी आके कमी निकाले, ये साधना ठीक नहीं, तब भी कह दो आपकी बात नहीं मानेंगे। यदि आपको मेरी साधना ठीक करानी है तो मेरे गुरु से कहो, जो मेरे गुरु करेंगे वो मैं करूंगा। ये है अनन्य निष्ठा गुरु के प्रति।